तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडयाल। ठीक है, तो आप जानते ही हैं दोस्तों, हम अपनी विक्टोरियन एज एक्सप्लोर कर रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको विक्टोरियन एज की इंट्रोडक्शन भी दी थी और जो राइटर हैं अल्बर्ट टेंसन, एक राइटर भी हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिए थे, उनके वर्क एंड ऑल, और पूरा मैंने आपको गाइड भी कर दिया था कि कैसे गूगल से देखना है एंड ऑल। और आज दोस्तों हम एक और राइटर एक्सप्लोर करेंगे। फोटो देख लो ध्यान से, ठीक है? तो काफ़ी सीरियस से लग रहे हैं ये राइटर, काफ़ी सोच समझ वाले लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये सीरियस से सोच समझ वाले राइटर कौन हैं और इनके कौन कौन से वर्क जो हैं हमने एक्सप्लोर करनी है। तो दोस्तों, ये जो सीरियस से राइटर हैं, ठीक है जी, काफ़ी सोच समझ वाले जो लग रहे हैं, ये हैं दोस्तों हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, नाम तो सुना होगा, ये है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, वन ऑफ अ मेजर पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। ओके, तो आइए देखते हैं एज अ राइटर इन्हें और इनके वर्क एक्सप्लोर करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि इनका जन्म 1812 में हुआ था और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 1812 में ही वॉज बॉर्न और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। तो ईयर्स आपको पता है, आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिकली राइटर्स आ जाते हैं अरेंज करने को एज वाइज। इसके बाद दोस्तों खास बात क्या है, इनको रिकॉग्नाइजेशन इनके 30 साल के बाद मिली थी वर्क के, यानी कि जब इन्होंने वर्क लिखे तब इनको इतनी फेमसनेस नहीं मिली, तब इतना पता नहीं था, पर इनके 30 साल के बाद, मतलब काम करते गए 30 साल के बाद इन्हें जो है एक रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हुई, लोगों ने इन्हें मतलब एडमायर करना शुरू किया। तो इनको हम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ एज भी कहते हैं कि एज के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव पोएट थे ये। क्यों? क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि चलो एक साल मेहनत करके हमें नहीं कुछ फर्क मिला, दो साल करेंगे, तीन साल करेंगे, चार साल करेंगे, पर इनको तो 30 साल तक वो रिकॉग्नाइजेशन मिली ही नहीं, काम करते गए 30 साल के बाद इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली। तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहे होंगे ना, बहुत ही पॉजिटिव रहे होंगे, तभी फिर अपना काम ये क्वालिटी के साथ कंटिन्यू कर पाए। तो हम इन्हें वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ एज कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपने वर्क ड्रामाटिक मोनोलॉग के लिए बड़े मशहूर हैं। जैसे हर किसी का कोई एक वर्क होता है जो उसे पहचान दिलाता है, तो नो डाउट इनके वर्क बहुत सारे हैं, पर इनका जो ड्रामाटिक मोनोलॉग वर्क है उसके लिए ये बहुत जाने जाते हैं। वो इनका मतलब फेमस हुए थे इसके लिए, बहुत ड्रामाटिक मोनोलॉग के लिए। इसके अलावा दोस्तों इनका जो जन्म है वो कैम्बरवेल में हुआ था, ठीक है, और इनको जब इनकी डेथ हुई थी 1889 में, तो इनको वेस्ट मिनिस्टर एबी में दफनाया गया था। ठीक है, तो 1812 में इनका जन्म कहाँ हुआ है? कैम्बरवेल में। ओके, और जब इनकी डेथ हुई 1889 में, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को दफनाया गया वेस्ट मिनिस्टर एबी में। ठीक है, तो ये एज अ जिस्ट हमने थोड़ा सा देखा इनके बारे में। आइए अब इनके थोड़े से वर्क हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो इनके जो वर्क हैं, जैसे एक इनका वर्क है पॉलिन, ये 1833 में आया था और ये शैली को लेकर ट्रिब्यूट है, जो पर्सी वाइफ की शैली है ना, उनको लेकर ट्रिब्यूट है ये। ठीक है, पॉलिन। फिर एक इनका वर्क है पैराकेल्सस, जो 1835 में आया है वर्क, पैराकेल्सस जो 1835 में आया है। उसके बाद इनका वर्क है सौर डेलो, जो 1840 में आया है, जो बेसिकली पोएम है, पर 6 बुक्स में ये पोएम्स हैं। तो सौर डेलो काइंड ऑफ लेंथी वर्क है ब्राउनिंग का, इसमें उनकी 6 बुक्स हैं। देन वी हैव बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स, जो 1846 में इनका वर्क आया है, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। ठीक है, तो ये इनके वर्क किए हमने कौन कौन से, पॉलिन जो 1833 में आया, पर्सी वाइफ की शैली को ट्रिब्यूट है, देन पैराकेल्सस 1835 में आया, देन सौर डेलो जो कि पोएम्स हैं, पर 6 किताबों के अंदर ये पोएम्स आई हैं 1840 में, देन बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स जो 1846 में आया है। तो इस स्लाइड में हमने थोड़ा सा जाना रॉबर्ट ब्राउनिंग को, उनकी ज़िंदगी के बारे में एंड उनके थोड़े से वर्क देखे। तो जो भी यहाँ पे कोई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट, कोई वर्क आ रहा है, सबको आपने गूगल पे सर्च कर लेना है ना। मैंने आपको हमेशा ही कहा है
कोई भी टर्म कॉन्सेप्ट राइटर वर्क आए, गूगल करना है, टॉप पे जो 3 या 4 लाइनें लिखती है बस वो आपने नोट डाउन करनी है, वहीं से ही पेपर में प्रश्न पड़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, तो ये तो हमने रैंडमली इनके नॉर्मल वर्क लिए, अब थोड़ा सा इनकी पोएम्स की कलेक्शन की बात कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स कौन थी इनकी, तो एक तो इनके ड्रामाटिक लिरिक्स हैं जो 1842 में आई हैं, ये सारी ही ना पोएम्स की कलेक्शन है, सभी में एक एक पोएम नहीं है बल्कि पोएम्स का ग्रुप है। तो ड्रामाटिक लिरिक्स आया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का 1842 में, देन ड्रामाटिक रोमांस आया था 1845 में, ड्रामाटिक रोमांस, फिर आया था मैन एंड वुमेन 1855 में, ठीक है, और फिर आया था ड्रामाटिक परसोने 1864 में। तो पीछे हमने नॉर्मल रैंडम वर्क इनके देखे और ये वाले वर्क स्पेसिफिकली इनकी पोएम्स की कलेक्शन है। ड्रामाटिक लिरिक्स इनकी पोएम की कलेक्शन आई 1842 में, ड्रामाटिक रोमांस आए 1845 में, मैन एंड वुमेन आए 1855 में और ड्रामाटिक परसोने आए 1864 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके और वर्क भी हैं, जैसे कि इनका वर्क है पीपा पासिस, जो कि एक ड्रामाटिक नरेटिव है पर जिसको इसलिए नहीं बनाया गया कि एक्ट करें। तो पीपा पासिस इनका काइंड ऑफ ड्रामा है, मतलब जैसे पीपा पासिस को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है तो ऐसा लगता है कि ये एक ड्रामा है, ड्रामाटिक वे से है, पर हाँ इसको परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसके बाद इनका सबसे जो पहला ड्रामा था डैट वॉज स्ट्राफोर्ड, जो 1837 में परफॉर्म हुआ है। तो ब्राउनिंग ने पोएम्स ही नहीं ड्रामा भी लिखे हैं और इनका सबसे पहला ड्रामा था स्ट्राफोर्ड जो 1837 में परफॉर्म हुआ था। फिर इनके वर्क हैं कॉलम्स बर्डे जो 1844 में आया एंड इन्ना बेलोनी जो 1855 में आया, ये दोनों भी ड्रामा हैं। कौन कौन से, कॉलम्स बर्डे जो 1844 में आया, इन अ बेलोनी जो 1855 में आया, ये भी इनके ड्रामाज हैं। फिर दोस्तों इनका एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है द रिंग एंड द बुक ब्राउनिंग का, जो 1868 में आया था इनका वर्क रिंग एंड द बुक। इसमें करेक्टर्स हैं जैसे कि पोम्पेला, काउंट गुइडो और कैपम साची, कैपम साची यहाँ बेसिकली प्रीस्ट होता है, ठीक है। तो रिंग एंड द बुक काफ़ी पॉपुलर वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, 1868 में आया है और इसमें करेक्टर हैं पोम्पेला, काउंट गुइडो और कैपन साची इसमें एक प्रीस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमने जो भी पोएम्स की कलेक्शन देखी या जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल वर्क देखे, ये भी आपने सारे गूगल कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं स्पेसिफिक बात करूँगी कि जो इनके ड्रामाटिक लिरिक्स आए थे, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ड्रामाटिक लिरिक्स जो 1642 में आया, जो पोएम्स की कलेक्शन है उसमें कौन कौन सी पोएम थी, ठीक है। तो ड्रामाटिक लिरिक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स की कलेक्शन है, 1842 में आई हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन सी इनके जो हैं वो लिरिक्स आए थे, पोएम्स आई थी, और ख़ास बात क्या है, इनका हर लिरिक हर पोएम एक चीज़ को लेकर जो है संबंधित है ना। मैंने शुरू में भी बताया था लिरिक में 3 चीज़ें पिछली क्लास में, 3 S होते हैं, सिंगल इमोशन, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन और स्मॉल इन साइज। तो स्मॉल पोएम हो, सिंगल इमोशन हो और स्पॉन्टेनियसली आपने कह दिया हो, वो आपकी लिरिक वाली पोएम होती है। तो ड्रामेटिक लिरिक जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की मतलब पोएम्स की एक कम्बिनेशन आया था 1842 में, उसमें ये सारी जो है पोएम्स मौजूद हैं जो भी मैं कराऊंगी, हर किसी में एक एक सिंगल इमोशन है, एक एक सिंगल थीम है जिसपे लिखी गई है। तो इसमें इनकी एक पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, जो कि लवर इसमें थीम है, ठीक है, लास्ट राइड टुगेदर में लवर थीम है। देन वी हैव एंड्रिया डेल साटो, इसमें आर्टिस्ट की थीम है, एंड्रिया डेल साटो में आर्टिस्ट की थीम है। देन अ डेथ इन अ डेजर्ट, इसमें जो डेजर्ट इसमें कि क्रिश्चियन को बताया गया है, डेथ इन अ डेजर्ट क्रिश्चियन बताया गया है। देन मूल्याह, ये एक अरब हॉर्समैन की कहानी है, अरब हॉर्समैन की है मूल्याह। देन हर्ब रायल, जो कि एक सेलर की कहानी है, सेलर यानी कि जो आपके सेल करते हैं, बोट चलाते हैं, ये बैलेट फॉरम में भी है समहाउ। बैलेट क्या होते हैं, जो लोक गीत होते हैं पीछे से चले आ रहे हैं, उस फॉरम में भी है समहाउ। देन इनका वर्क है चाइल्ड रोलांड, जिसमें एक मेडिवल नाइट का जिक्र किया गया है, चाइल्ड रोलांड जिसमें एक मेडिवल नाइट का जिक्र किया गया है। देन इसमें एक वर्क है सोल,
सोल में हबरियू नामक करेक्टर है उसका जिक्र किया गया है, सोल में हबरियू का जिक्र किया गया है। देन वी हैव बोलोशंस एडवेंचर जो कि ग्रीक कहानी है, बोलोशंस एडवेंचर ग्रीक कहानी है। देन वी हैव कैलिबन जिसमें एक मॉन्स्टर का जिक्र किया गया है, कैलिबन जिसमें एक मॉन्स्टर राक्षस का जिक्र किया गया है। देन वी हैव काशी जिसमें इमॉर्टल डेड का जिक्र किया गया है, इमॉर्टल डेड ऐसा जो मर गया है पर अमर हो गया है, जो कभी नहीं मरेगा काइंड ऑफ, काशीश में इमॉर्टल डेड, है ना। तो ये सारे जो हैं ड्रामेटिक लिरिक हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के, और हर लिरिक के नेम लिखने के साथ ब्रैकेट में ये भी बताया गया है कि वो किसके बारे में उसमें बताया गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अकेले भी पूछ सकते हैं कि मान लो हर राइल क्या है तो सेलर के बारे में है, बैलेड है, लिरिक है, और साथ में ये कम्बिनेशन में भी आ सकते हैं कि एक तरफ इनके नेम दे दिए कोई चार और एक तरफ इनमें जिनके बारे में बात दी गई है वो दे दिए, फिर आपको बोले कि मिक्स मैच करो, है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप नेट लेवल हाई लेवल पे सोच रहे हो तो फिर मिक्स मैच करने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेपर का लेवल बढ़ाएंगे, या नॉर्मल टीजीटी पीजीटी है तो एक आधा इंडिविजुअल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने जो भी देखे ये सारे आपने गूगल कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी हम पोएम्स कर लेते हैं नॉर्मल वे से, क्योंकि ये क्या है, इनकी बेसिकली पोएम्स ही हैं, पोएम्स लिरिक्स वही इनका मेन जॉनर है। मेजर पोएट में ही हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ रहे हैं, पर हाँ इनके ड्रामा भी थे। तो बाकी इनकी जो पोएम्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, एक है फिफाइन एट द फेयर, फिफाइन एट द फेयर, द इन एल्बम, द इन एल्बम, जोको सेरिया, जोको सेरिया, रेड कॉटन नाइट कैप काउंटरी, रेड कॉटन नाइट कैप काउंटरी, माई स्टार, माई स्टार, मीटिंग एट नाइट, मीटिंग एट नाइट, ठीक है, और वन वर्ड मोर, वन वर्ड मोर, और एक है प्रोस्पाइस, क्या है प्रोस्पाइस, ठीक है। और इसमें से ये वाला थोड़ा अलग है कि ये उनका अपना वर्क नहीं था बल्कि ओमार खय्याम का जो रुबियात है उनको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, तो ये भी एक पोएम ही है, ठीक है, रुबियात ओमार खय्याम की, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया, बल्कि बाकी इनके ओरिजिनल पोएम है, फिफाइन एट द फेयर, द इन एल्बम, जोको सेरिया, रेड कॉटन नाइट कैप काउंटरी, माई स्टार, मीटिंग एट नाइट, वन वर्ड मोर, प्रोस्पाइस, ठीक है, ये इनकी अपनी पोएम्स हैं। इसके अलावा ओमार खय्याम की रुबियात पोएम को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो ये सारी इनकी पोएम्स हैं, इनको भी आपने जो है गूगल कर लेना है, है ना। एक बात बताऊँ, ब्रिटिश हिस्ट्री क्लासिक्स में जो भी हम एजेस करते हैं और एजेस में हम जो भी राइटर्स करते हैं और जो भी उनके वर्क करते हैं वही ना मेन रहता है, क्योंकि इतने सारे राइटर्स हैं और इतने सारे वर्क रहते हैं उनके, ठीक है। तो देखो पूरी टॉपोलॉजी आपके सामने आ रही है, राइटर्स की लिस्ट, वर्क की लिस्ट आ रही है, आपको पूरी स्ट्रेटजी भी मिल रही है कि कैसे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगे ना फिट करी उस वे से करना है, तो आप करिए जरूर। वो जो गूगल से मैं कहती हूँ सर्च करना, उसको मजाक मत समझना, वो एक एक चीज़ यू डोंट नो एट वट लेवल आपको हेल्प करेगा, डायरेक्ट वहीं से स्टेटमेंट उठा के ना पेपर में प्रश्न तैयार किए जाते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो चलो थोड़ी पोएम हुई, अगली स्लाइड भी इनकी पोएम्स को ही समर्पित है। एविलियन होप, एविलियन होप, वॉन्टिंग इज वट, वॉन्टिंग इज वट, होम थाट्स फ्रॉम अबॉर्ड abroad, home thoughts from abroad, ho they brought the good news, ho they brought the good news, जो basically एक ballad भी है, ballad यानी कि लोग इस पीछे से चला आ रहा हो उसे लिखा है इन्होंने। the bishop orders his tomb, the bishop orders his tomb, about Vogler, about Vogler, Rabbi Ben Ezra, Rabbi Ben Ezra, grammarian's funeral, grammarian's funeral, फ्रा लिपोलिपि, फ्रा लिपोलिपि, क्लियोन, क्लियोन, सोलिक्वी ऑफ स्पेनिश क्लोस्टर, सोलिक्वी ऑफ स्पेनिश क्लोस्टर, कौन कौन सी हैं, एविलियन होप, वॉन्टिंग इज वट, होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, होए दे ब्रॉट द गुड न्यूज़, जो कि एक बैलेड है, द बिशप ऑर्डर्स ए टॉम, अबाउट वॉगलर, रबी बेन एज़रा, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, फ्रा लिपोलिपि, क्लियोन, सोलिक्वी ऑफ स्पेनिश क्लस्टर। दोनों इसमें स्लाइड्स में बहुत सारी पोएम्स हैं ब्राउनिंग की,
तो जैसे पीछे वाली आपने गूगल करनी है, ये भी आपने गूगल कर लेनी। यू मस्ट नो कि राइटर का नेम क्या है, उसकी पोएम का नेम क्या है, किस पे वो बेसिकली लिखा गया है, क्या मेन थीम है, और एक दो कुछ खास बातें, वो सारी निकल आती हैं जब आप गूगल पे से सर्च करोगे। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात कहनी थी, मैं अपने लेवल पे तो कोशिश करती ही हूँ, आपने देखा ही होगा वर्क को मैं रिपीट करती हूँ ना, तो ये भी एक सेंस को टेक्निक है। जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप अपने सेंसेस का यूज़ करेंगे, उतने आपके दिमाग में चीज़ें पक्की हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो अभी तक चलो हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क कर लिए, उनके ड्रामा देखे, पोइट्री देखी, थोड़ा बहुत लाइफ का देखा, अब हम थोड़ा सा उनके स्टाइल एंड कुछ कुछ और बातें डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्टाइल की बात करूँ ना, तो जैसा वो लिखते थे उसमें आपको एक होप देखने को मिलती है। ठीक है, ये उनकी खास बात थी। और एक विगर होता है, एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है उनके वर्क में, यानी कि जो भी उनकी ड्रामा है, जो भी उनकी पोइट्री है, उसमें एक होप है, एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। और इनका जो स्टाइल था दोस्तों, वो ऑब्सक्योर था। ऑब्सक्योर क्या होता है, ये मैं आपको गूगल करने के लिए टर्म दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास वो बच्चे जल्दी पढ़ने आते हैं कि हिंदी में मैम समझा देंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, पर हमने ये नहीं भूलना है कि एग्ज़ाम हमारा एक लैंग्वेज में ही आएगा, इंग्लिश में ही। तो चाहे आपको समझ आ गई है चीज़ों की, पर अगर टर्म्स के आपको वर्ड के मीनिंग नहीं पता होते कि फिर उससे भी दिक्कत हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि साथ साथ में जो जो टर्म आए, जो जो वर्ड आए, वो आप उनका मीनिंग भी निकालते रहिए। ठीक है, ताकि आप पेपर में जब बैठे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें उत्तर देने के लिए। और इसके अलावा क्या दोस्तों, वो जब लिखना शुरू करते थे ना, वो रीडर के बारे में भूल ही जाते थे कि पढ़ने वाला क्या सोचेगा, वो अपने वे से आगे बढ़ते थे, उसे लिखते थे। ठीक है, तो ओवरऑल रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो स्टाइल है, विगर यानी कि स्ट्रेंथ वाला है, होप वाला है, ऑब्सक्योर है, और ये इतना लिखते थे, इतने मशरूम हो जाते थे लिखने में, मशरूफ हो जाते थे कि रीडर के बारे में भूल जाते थे। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ लेनी है, थोड़ा थोड़ा देख लेना है, इसको रीड करना है, बाकी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग की खास बात है, ये अपने ऑप्टिमिज्म के लिए बहुत मशहूर थे। वो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इनको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट पोएट एज का कहा जाता है, क्योंकि देखो ये लिखते रहे, अच्छा लिखते रहे, कंटिन्यूटी में अच्छा लिखते रहे, फिर भी लिखते रहे, हालांकि इन्हें कोई प्रेज नहीं मिली, कोई प्रशंसा नहीं मिली, पर इन्होंने अपना अच्छा काम करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा काम करते हैं सभी, थोड़े टाइम के लिए अच्छा काम करते हैं सभी, पर उस अच्छे काम को जब हमको आगे को मेंटेन रखना होता है ना, तो एक साथ चाहिए होता है, एक प्रेज चाहिए होती है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं था, जो इनको वर्क लिखने के 30 साल के बाद मिला, पर स्टिल इन्होंने अपना अच्छा काम कंटिन्यू रखा। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जुड़े हुए हैं अपने ऑप्टिमिज्म के लिए, ये आपने सारा इनके वर्क में भी देख लेना है। ऐसे भी ऑप्टिमिज्म है कि पॉजिटिव रहे, और इनके वर्क में भी आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक वीगरनेस जो मैंने पीछे बताया, स्ट्रेस देखने को मिलेगी, चाहे टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, पर कैसे हमने पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, वो देखने को मिला है। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम एक लव पोएट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो वर्क हैं वो लव पे आधारित हैं। ठीक है, देखो खास बात क्या है, ये 40 से ऊपर हो गए थे। ठीक है, देखो, ही डिड नॉट एंटर द कंपनी ऑफ वर्ल्ड ग्रेट पोएट अंटिल ही वॉज ओवर 40 एंड मैरिड। जब तक ये 40 से ऊपर नहीं हुए और जब तक इनकी शादी नहीं हुई, तब तक ये मतलब महान पोएट नहीं काउंट होते थे, यानी कि इन्होंने शादी लेट की है, 40 के बाद की है। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी एलिजाबेथ के साथ। ओके, एलिजाबेथ, इनका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ ब्राउनिंग, और उन्हीं उनको ही डेडिकेट करते हुए इन्होंने कुछ वर्क लिखे हैं, जैसे कि बाय द फायर साइड, प्रॉस्पाइस, वन वर्ड मोर, ये सारी जो पोएम्स हैं उनके पर्सनल लव पे आधारित हैं। ओके, तो ये ना एक आपके लव पोएट भी थे, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग के काफ़ी सारे वर्क आपको प्यार पे आधारित भी मिलेंगे, स्पेसिफिकली इनकी वाइफ को लेकर, एलिजाबेथ ब्राउनिंग को लेकर, जैसे कि बाय द फायर साइड, प्रॉस्पाइस एंड वन वर्ड मोर। और इस स्लाइड को भी आपने पूरा देख लेना है। पूरे कोर्स में ऐसा बहुत रेयर होता है, रेयर टू रेयरेस्ट होता है, जब मैं आपको कहूँ देख लो। तो स्टाइल भी मैंने आपको बता दिया, बाकी रीड करने को बोला, ऑप्टिमिज्म भी बता दिया, बाकी रीड करने को बोला, और लव पोएट भी बता दिया, बाकी रीड करने को बोला।
ठीक है, क्योंकि बिना रीडिंग के बात नहीं बनेगी। और मैं आपको ये मेक श्योर कर देना चाहती हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में बिठा देना चाहती हूँ कि क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें गूगल से रीड करना ज़रूरी है, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ राइटर हैं, उनके जो वर्क हैं, उनसे जो जुड़ी हुई खास बातें हैं वो सारे फिनिश होती हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को और उनके जितने भी वर्क आए, कोई भी टर्म वगैरह आई, सबको आपने गूगल कर लेना है क्लास का करने के बाद, एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट। और आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट मेजर पोएट अपने एक्सप्लोर करेंगे जो कि हैं ये। ठीक है, ये कौन है, इनके क्या वर्क हैं, वो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आज का दिल से दिल तक सेशन आपके भी दिल तक गया है, अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ रही हैं और अच्छे से फॉलो करते हुए मार्वलस तरीके से आप बढ़ रहे हो आगे। क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, बल्कि ग्लोरियस कलर्स के साथ एग्ज़ाम क्रैक करना है, ताकि एक इश्क मोहब्बत और प्यार है हमें हमारी स्टडी के साथ, हम अपनी पूरी दुनिया को बता सकें। नॉर्मल क्रैक तो अलग बात है, पर जब एक ग्लोरियस कलर के साथ क्रैक करते हैं ना, तो उसको एक मज़ा अलग होता है। वो जब हम लोगों को बताते हैं ना कि ये मेरा रैंक आया, ये मेरा, तो मज़ा अलग होता है। ठीक है, इसे नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लेसन, टेक केयर।